यूं तो समोसे मिलना आम बात है, लेकिन इस दुकान के समोसों ने भरतपुर वासियों के लिए धूम मचा रखी है। ये समोसे भरतपुर वासियों की जुबान पर इतने रसीले एवं स्वादिष्ट हैं कि लोग इनका स्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। इन समोसों की खासियत यह है कि ये पाइनएप्पल, मूरी और आलू के बने हुए मसालों से तैयार किए जाते हैं, जो कि बिना चटनी के खाए जाते हैं, जिनका स्वाद ही अलग होता है। दुकानदार कुलदीप खंडलवाल बताते हैं कि ये घर के बने 56 प्रकार के मसालों से, कुटे हुए मसालों से तैयार किए जाते हैं, जिनमें कोई भी मिलावट नहीं होती। दुकानदार कुलदीप खंडेलवाल ने यह भी बताया कि इन समोसों की रेट भी नॉर्मल समोसों की जितनी ही है। खा रहे हैं कब से? मैं करीब 3 साल से इसको टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को ये सबसे बेहतरीन लग रहा है। इसको खाने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को सोन चटनी वाले समोसे में मज़ा नहीं आता है, तो इस दुकान से खाने में आता है। से बनाते हैं, इनकी क्या खासियत है? सर, इसकी खासियत स्पेशली ये है, सर्वप्रथम तो आप सभी भाई बंधुओं को जय श्री महाकाल, जय श्री राम। ये समोसे की खासियत ये है कि इसमें आलू मूली पाइनएप्पल का लच्छेदार समोसा होता है। इसमें करीब 56 तरीके के मसाले गिरते हैं, हाथ के कूटे हुए मसाले होते हैं इसके। और ये आज से नहीं, करीब 80 साल पुराने, हमारे जब से हमारे दादाजी ने, परदादाजी ने दुकान डाली है, जब से ये समोसे चल रहे हैं। तो उसी पैटर्न पे हमने कोशिश करके उसी पैटर्न पे इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक का, सभी भाई बंधुओं का, आप सभी का प्यार मिल रहा है, इससे बड़ी चीज़ अब हमको और क्या चाहिए। तो ये है सर आप लोगों का प्यार। लगभग कितने समोसे बिक जाते हैं आपके? लगभग ऐसा हमने कोई अंदाजा तो करा नहीं, अमूमन करीब 2-2.5 हज़ार। और ये चटनी वगैरह चटनी के साथ भी खाई जाती है, बिना चटनी के? नहीं, बिना चटनी की। स्पेशलिटी यही है, आप अगर घर में, इस घर से आप यदि हमारे पास में इसे आप लेके जाते हैं, तो ये सौर चटनी अपने अमूमन हर घर में रहती है। पर आप इसको सौर चटनी भी डालेंगे ना, तो एक समोसा एक वैसा खाना है, एक सौर चटनी का खाना, तो पूरे मसाले को खत्म करके रख देना। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कुलदीप खंडेलवाल है।